हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। केसरी फिल्म बहुत ही ज्यादा धमाल कर रही, लेकिन कल आईपीएल का पहला दिन था और उससे कहीं ना कहीं कलेक्शंस पे भी इफेक्ट पड़ा है। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की, किस तरह से कलेक्शंस हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो कि 3600 स्क्रीन्स केसी के पास है, 3600, और फर्स्ट डे जो कलेक्शंस हुआ था वो 21.06 करोड़ हुआ था, यानी कि 21 करोड़ के ऊपर। दूसरे दिन का जो कलेक्शंस था वो लगभग 16.70 करोड़ था, 16.70 करोड़। और तीसरे दिन का जो कलेक्शंस आया है वो उम्मीद के आसपास ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने आई थिंक 18-19 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था कल, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था रात को कि 19-20 करोड़ हो सकता है। मैंने एस्टिमेट्स 19-20 करोड़ का ही दिया था, ठीक है। प्रेडिक्शन दिया था 1819 करोड़, वो प्रेडिक्शन मेरा लगभग पूरी तरह से सही हुआ है, क्योंकि 18.75 करोड़ तक की कमाई हुई है, 18.75 करोड़ की। लेकिन हाँ, जो मेरा एस्टिमेट्स था जो कल 19-20 करोड़, उससे थोड़ा सा जस्ट कम हुआ है, और उम्मीद तो थी 20 करोड़ होता है, पॉसिबल भी था, लेकिन आईपीएल था जैसे मैंने कहा। और तीन दिन के बाद टोटल जो हुआ है 56.51 करोड़ हुआ है, जी हाँ, 56.51 करोड़। दैट मीन्स यहाँ पे जो चार दिन के बाद 40 करोड़ लगने वाले थे इजिली, वो थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ सकता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि जो 23 से 25 करोड़ का एक आंकड़ा है वो हमारा आई थिंक वही रहेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उतना कमा लेगी, और वैसा हुआ तो भी ये मुश्किल से शायद पहुंच जाए 80 करोड़ या फिर 79 करोड़ तो पहुंच ही जाएगी। तो लेट्स सी कैसा होगा चौथे दिन कलेक्शन बात की बात, लेकिन तीन दिन के बाद टोटल जो हुआ है 56.51 करोड़ का आया है, यानी 50 करोड़ तीन दिन क्रॉस कर दी, जो एक अच्छी खासी बात है। कितने खुश है आप इस कलेक्शन को जानकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।